आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये तब की बात है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। उस दौरान भारत सरकार ने उन लोगों की संपत्ति जब्त करने की ठानी जो लोग पाकिस्तान जा चुके थे। इसकी जद में आ गए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी। मुंबई में उनका बंगला था जो जिन्ना हाउस के नाम से मशहूर था। जिन्ना को जब यह मालूम पड़ा तो उन्होंने नेहरू को खत लिखकर गुजारिश की कि मेरा बंगला सरकारी संपत्ति ना घोषित किया जाए। नेहरू ने यह बात मान ली, लेकिन तय हुआ कि भारत सरकार उसे किराए पर लेगी, जिसका किराया जिन्ना को भेज दिया जाएगा। लेकिन यह समझौता अमल में आता उससे पहले ही जिन्ना चल बसे। बाद में इस बंगले को बिना कब्जे वाली संपत्ति घोषित कर दिया गया और उसका रखरखाव पीडब्ल्यूडी के हवाले कर दिया गया, उसके हिस्से आया। लेकिन सवाल यह है कि किस नियम के तहत तत्कालीन सरकार जिन्ना के बंगले को सरकारी बना रही थी? क्या जो व्यक्ति देश छोड़ चुका है उसकी संपत्ति को सरकार कब्जे में ले सकती है? और अगर जवाब हाँ है तो वो किस कानून के तहत? देश बदलने से संपत्ति सरकार की कैसे हो जाएगी? सवाल तो अच्छा है, तो जवाब भी तलाशेंगे आज के ही ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। संपत्ति को लेकर ना एक कानून है देश में, नाम है शत्रु संपत्ति अधिनियम। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये कौन सा कानून है, तो चलिए सबसे पहले उसी कानून को समझा जाए। शत्रु संपत्ति का सीधा सीधा मतलब है शत्रु की संपत्ति, यानी कि दुश्मन की संपत्ति। फर्क बस इतना है कि वो दुश्मन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मुल्क का है। जैसे पाकिस्तान, चीन। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपना सब कुछ तो उठाकर नहीं ले जा सकते थे, बहुत कुछ पीछे छूट गया। घर, मकान, हवेलियां, कोठियां, जमीन, जवाहरात, कंपनियां वगैरह वगैरह। अब हुआ ये कि इन सब पर हो गया सरकार का कब्जा। आसान भाषा में यूं समझिए कि जिनका इन संपत्तियों पर मालिकाना हक था वो तो चले गए पराए मुल्क, जायदाद रह गई यहीं। तो उनकी छूटी हुई जायदाद कहलाती है शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति एक और तरह की भी होती है। जब दो देशों में युद्ध छिड़ जाए तब भी सरकार अपने दुश्मन देश के नागरिकों की मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी एक तरह से जब्त कर लेती है, ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान उसका फायदा ना उठा सके। ऐसा दुनिया भर में होता रहा है। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मन्स की प्रॉपर्टी यूं ही कब्जे में कर ली थी। तो ये तो हो गई शत्रु संपत्ति की परिभाषा। अब शत्रु संपत्ति को लेकर कानून क्या है वो समझ लेते हैं। बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर विराग गुप्ता। भारत चीन युद्ध के समय एक कानून बना था जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। उसके अनुसार 1962 में चीन युद्ध और 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय जिन लोगों ने भारत छोड़ करके पाकिस्तान या चीन चले गए थे तो उन्हें शत्रु डिक्लेयर किए, उसकी स्थिति पर भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, भारत सरकार का स्वामित्व हो गया। 1966 में पाकिस्तान के साथ जब ताशकंद समझौता हुआ तो उसमें एक डिक्लेरेशन था जिससे दोनों देश, क्योंकि पाकिस्तान ने भी भारतीयों की संपत्ति पर कब्जा किया था, कि दोनों देश मिलकर के आपस में संपत्तियों को रिलीज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उन सारी संपत्तियों को 1971 तक भेज दिया। उसके फलस्वरूप भारत में एक नया कानून बना जिसे एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 कहते हैं। उस कानून के तहत इस तरीके की देश में लगभग संसद में जो सवाल जवाब हुए थे उसके अनुसार 9400 संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, और जिनकी कीमत 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। संपत्तियों के बारे में अदालतों में भी कई सारे विवाद हुए। एक विवाद कई साल तक सुप्रीम कोर्ट में चला जिसमें 2005 में फैसला आया। जो मामला राजा महबूबाबाद के राजा थे उनका मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को वापस की जाए। उसके बाद सरकार ने 2010 में एक अध्यादेश जारी किया और कानून बिल भी पेश किया गया, कानून नहीं बना, और वो फाइनली 2017 में एक नया कानून बना। तो उस कानून के तहत जो लोग संपत्ति के मालिक थे उनके उत्तराधिकारियों का भी कोई क्लेम नहीं रहेगा और संपत्ति के बारे में अदालतें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और भारत सरकार का उसमें संपूर्ण स्वामित्व रहेगा। और उसके लिए जो पब्लिक प्रमाइजेज एक्ट था, अगर उस संपत्ति का अवैध कब्जा है उसमें भी संशोधन किया गया। तो ये संपत्तियां भारत सरकार किसी भी राज्य में हो पर उसमें स्वामित्व भारत सरकार का होता है
और इसके लिए कानून के तहत एक कस्टोडियन अपॉइंट किया जाता है जो उन संपत्तियों की सुरक्षा और देखरेख करता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को लेकर कानून तो आजादी के समय से ही है, मगर 1968 में हुआ इसमें संशोधन। संशोधित कानून के मुताबिक सरकार को ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक मान लिया गया जो शत्रु संपत्ति की परिभाषा में फिट थी। ये 1968 से ही प्रभावी माना गया। एक नियम और आया, वो ये कि भारतीय नागरिक शत्रु संपत्ति को विरासत में किसी को नहीं दे सकते। अच्छा, इसके तहत एक चीज और हुई कि तब तक जितनी भी ऐसी संपत्तियां बेची जा चुकी थीं, उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर दीवानी अदालतों को ज्यादातर मामलों में शत्रु संपत्ति से जुड़े मुकदमे पर सुनवाई का हक नहीं रहा। मामले की सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित रह गई। शत्रु संपत्ति एक्ट में इस संशोधन से ठीक पहले एक बड़ी दिलचस्प घटना भी घटी थी। कहते हैं कि इसी घटना के बाद सरकार को इस एक्ट में संशोधन की सूझी थी। सुनिए आज तक रेडियो में हमारे साथी कुमार केशव से। सूरज, ये केस बड़ा दिलचस्प है तो लंबी दास्तान, लेकिन थोड़े में समेटने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान नाम के एक शख्स हुए, उन्होंने 40 साल से ज़्यादा अरसा अपने विरसे के लिए लड़ाई लड़ी है। इनका ताल्लुक यूपी के सीतापुर से है। यहाँ कभी उनके पुरखों की रियासत हुआ करती थी, उसका नाम था महमूदाबाद रियासत। आज भी मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान साहब को राजा महमूदाबाद कह के ही पुकारा जाता है। जब बंटवारा हुआ था तब उनके पिताजी आमिर अहमद खान इराक चले गए थे। बाद में 1957 में उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन बेटे ने उस समय पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, वो भारतीय नागरिक बने रहे। जब पाकिस्तान के साथ 65 की लड़ाई हुई तो भारत सरकार ने राजा महमूदाबाद की जो संपत्ति थी, सारी संपत्ति, उसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। बेशुमार प्रॉपर्टी थी उनकी, लखनऊ, सीतापुर और नैनीताल वगैरह में फैली हुई थी। राजा महमूदाबाद कोर्ट चले गए, इंदिरा गांधी से लेकर के मोरारजी देसाई तक कई प्रधानमंत्रियों से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ भी कुछ तो कोर्ट के रास्ते, पहले मुंबई हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो राजा के हक में दिया। कहा कि राजा साहब भारत के नागरिक हैं और किसी तरह से राष्ट्र के शत्रु नहीं हैं, दुश्मन नहीं हैं, लिहाजा उनकी सारी जायदाद उन्हें वापस कर दी जाए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। भारत सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे तमाम केसेज का भट्ठा बिठा देगा, एक नज़ीर बन जाएगा, जिसकी वजह से सरकार को ऐसी बहुत सारी संपत्तियों से हाथ धोना पड़ जाएगा। हुकूमत ने 1968 के बने इस एक्ट में संशोधन करने की सोची। 17 मार्च 2017 को ये अमेंडमेंट हो भी गया। नए कानून के हिसाब से एनिमी प्रॉपर्टी की जो है व्याख्या वो बदल गई। अब वो लोग भी शत्रु हैं जो भले ही भारत के नागरिक हैं, लेकिन जिन्हें विरासत में ऐसी संपत्ति मिली है जो किसी पाकिस्तानी नागरिक के नाम है। इसी संशोधन ने सरकार को ऐसी प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार दे दिया। सो बेसिकली बात ऐसी हो गई है कि इस तरह की तमाम संपत्तियों के मालिकाना हक स्टेट यानी हुकूमत के पास चले गए। नतीजतन राजा महमूदाबाद की सारी संपत्ति अब भारत सरकार की है। साल 2020 तक आए आंकड़े के मुताबिक भारत सरकार ने 9400 शत्रु संपत्तियों की पहचान की है। इनमें से ज्यादातर हैं पाकिस्तानी नागरिकों के नाम। इनमें से कुछ को तो भारत सरकार बेचने की तैयारी भी कर रही है। कहा जाता है कि कुल घोषित शत्रु संपत्ति को अगर बेचा जाए तो सरकार करीब 3000 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। तो शत्रु संपत्ति और उससे जुड़े कानून के बारे में आज के हमारे इस ज्ञान ध्यान में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो मेल करिए, हमारा पता नोट करिए, radio@aajtak.com। नंबर भी है व्हाट्सएप का, यहाँ पर भी आप अपना फीडबैक, कोई सजेशन, सुझाव भेज सकते हैं। नंबर है 9953233303। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित त्रिपाठी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।